हाँ जी महाराज जी, ठीक ठाक हो? ठीक है, खा शहर बेटा ना मैं सर का दिल की गहराइयों से यहाँ स्वागत करता हूँ। साथ ही साथ हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर एडीसी कालाकोट, उनका भी स्वागत करता हूँ इस प्रोग्राम में। एसएचओ कालाकोट कि वो इस प्रोग्राम में आए, सर ने अपना कीमती वक्त निकाल के इस प्रोग्राम में आए। सर की मसरूफियात बहुत रहती हैं, तो सर हमारा डिपार्टमेंट जो है सोशली और जो बैकवर्ड क्लास है या फिर जो डोंट स्ट्रेटा है हमारा सोसाइटी का, उसके साथ डील करता है सर। इसमें हम क्या करते हैं सर, ये जो स्कीम है हमारी एलिंगो की, इसमें दो स्कीम्स हैं सर, अडिप और आरवीवाई। ये साल का सर हमारा 48,000 के आसपास बनता है सर, तो 3 साल के लिए सर ये असिस्टेंस हम प्रोवाइड करते हैं बच्चे को सर। इसी तरह सर हम मिलिटेंसी अफेक्टेड विक्टम्स को हम सर स्कॉलरशिप और पेंशन देते हैं सर। इसमें रेट हमारा सर 1,000 पर मंथ रहता है सर। इसमें भी पेंशन रहती हैं सर NFCH के तहत। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर सर इसमें हमें फंडिंग करती है। जो भी लिस्टें अप्रूव होती हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल से सर, ये मिनिस्ट्री को हम भेजते हैं, तो फिर इसमें सर मिनिस्ट्री प्रोवाइड करती है सर। इसी तरह सर हमारे बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलते हैं सर, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ उसमें एक है सर। आज भी हमने सर 10 बेनिफिशरीज को यहाँ बुलाया है, जिनको हम बेबी केयर किट्स देंगे सर। आज हमारी लगभग 78 बेनिफिशरीज जो है, जो जो उनका बनता है उनको दे रहे, ये बड़ी मुबारक की बात है। और मैं अपने डिपार्टमेंटों से सभी से, लोग छूट गए हैं उन सबको अपना अपना शेयर मिलना चाहिए, जो जो जिस चीज की जरूरत है वो सुनना चाहिए, मिलना चाहिए। हाँ जी इधर देखिए, हाथ बनाओ, हाँ सोल वोटा एक लगा, एक फिर ब्रेक लगा जी जी। पिछली ये एक साइड टांग छोटी है ना, थोड़ी छोटी इंबैलेंस हो आप या एक डेढ़ इंच का, हाँ फर्क है वो सामने दिख रहा है, इतना तो पता चलता है। ये ट्राईसाइकिल किस किस के हैं जी? ये बेनिफिशियरीज को बुला लो ट्राईसाइकिल के लिए। सरदार जी देखिए, आज लगभग 73 बेनिफिशरीज जो हैं उनको उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो जो वो डिज़र्व करते थे उनको मिला। मैं धन्यवादी हूँ अपने देश के प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी का, जिन्होंने जो पोलियो के शिकार हैं, जिनकी बेचारों की किसी हादसे में टांग चली गई, किसी की बाजू चली गई,
आर्टिफिशियल लिम्स वगैरह जा स्कूटियां जा साइकिल एयरिंग फोन एयरिंग वगैरह एयर वगैरह, तो ये सारा कुछ जो है ना ये प्राइम मिनिस्टर साहब की देन है। तो वो उन्होंने आज कालाकोट के इस क्षेत्र में जो दूर दराज का पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, तो आज इसमें जहाँ पे लोगों को 73 लोगों को जो बेनिफिशरीज को जो दिए गए, ये बहुत बड़ी बात है हम सब लोगों के लिए। मैं आपको बताऊं कि मुझे भी सियासत में लगभग 41 साल हो गए, 83 से मैं लगातार सियासत में हूँ। किसी सरकार ने कभी ऐसा नहीं सोचा कि इन गरीब लोगों को भी ये रिक्वायरमेंट्स हैं इन गरीब लोगों। मैं इस कालाकोट क्षेत्र की बात करूँ तो मुझे लगता कि जब मैं घर से यहाँ तक पहुँचता 12 किलोमीटर में दूर दूर 3-4 लोग ऐसे मिलते हैं जो अपनी स्कूटियाँ लेके चल रहे होते हैं, अपने बीवी को साथ बैठाया हुआ। अब आए लोग जो बिल्कुल चल ही नहीं सकते थे वो स्कूटियों पे चल रहे हैं। तो ये देश के प्राइम मिनिस्टर साहब की अच्छी सोच, खासकर गरीब लोगों के लिए सोचा उन्होंने। अगर बेनिफिट्स की बात करें तो हमारे जन्म से लेकर मरण तक हर तरीके की सुविधा जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमें दी, तो उसका जवाब मैं आपको यहाँ पे कह सकता हूँ कि कालाकोट सुंदरबनी की जो आवाम है उसने बड़े खुल के दिया। यहाँ पे मुझे मैं उनको वहाँ भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट था, उन्होंने 35,010 वोट देके मुझे यहाँ से जितवा के भेजा। ये मेरे लिए बड़ी गर्व की बात है और जिस सारा जो श्रेय है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब को जाता है जिन्होंने लोगों को गरीब लोगों के काम किए और गरीब लोगों ने उनके काम के बदले में हम लोगों को वोट दिए। बात अगर करें पुरानी सरकारों की तो हमें पिताजी भी बड़े सक्रिय रहे राजनीति में, मेरे ब्रदर बड़े भाई वो भी बड़े सक्रिय रहे, लेकिन हमें एक सिंगल रोड सियोट से कालाकोट रोड इन पुरानी सरकारों ने एनसी की सरकार ने नहीं दिए। अब मुझे 4.5 साल लगभग हुए हैं टोटल जब से मैंने ज्वाइन किया है, 4.5 सालों में हमें सियोट कालाकोट रोड आपने देखी होगी सोलकी से इधर बन रही है, दूसरी साइड उसका फॉरेस्ट क्लियरेंस नहीं हो रहा। मेरी बात कमीशन सेक्रेटरी से भी हुई है, मेरी बात मैंने यहाँ पे DFO से भी की, कंजर्वेटर से भी की। तो ये हमारा प्रोजेक्ट वो जल्दी से जल्दी फॉरेस्ट क्लियरेंस हो जाए और जो पोर्शन रह गया वो भी बने, इसकी मैं कोशिश करूँगा। और जो बेनिफिशरीज रह गए हैं, मैंने आज अपने भारतीय जनता पार्टी का जितना मेरा कैडर मेरे साथ खड़ा है, मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि प्राइम मेहरबानी करके जो लोग लेफ्ट आउट लोग हैं जो डिज़र्व करते हैं जिनको नहीं मिला उनको भी मिले, ताकि ये निशानदेही करें और जो हम द्वारा अपनी एप्लीकेशनें लगाएं और जो सोशल वेलफेयर के ऑफिसर्स को मैंने डायरेक्शन दी है कि ये भी जो लेफ्ट आउट लोग हैं उनको सब अकोमोडेट करें।